न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी के गांव माजरा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री एवं स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि एम्स को लेकर राज्य सरकार ने अपना कार्य पूरा कर दिया है, लेकिन राजा साहब की सुस्ती के चलते अभी तक इसका शिलान्यास नहीं हो सका है। बीते दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद कैप्टन अजय यादव अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांवों में नुक्कड़ सभाओं के बहाने लोगों से रूबरू होने के लिए निकले थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह को क्षेत्र की जनता ने लगातार 4 बार सांसद चुना है, मगर बावजूद इसके पिछले 8.5 सालों में आज तक कोई विकास कार्य नहीं करा पाए। जहां तक माजरा एम्स में निर्माण में देरी को लेकर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल के पुतला फूंकने का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनवारीलाल एक शरीफ व्यक्ति हैं, फिर भी आगामी चुनाव को देखते हुए ये लोग एम्स का शिलान्यास तो करा देंगे, मगर एम्स का निर्माण तो कांग्रेस पार्टी ही कराएगी। वहीं कैप्टन अजय यादव ने दावा किया कि अगर आज हरियाणा में चुनाव हुए तो कांग्रेस को 65 सीटें हासिल होंगी, क्योंकि लोग अब परिवर्तन चाहते हैं और यही वजह है कि कर्नाटक में अब देश में परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी है और देश में यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। तो कर्नाटक की जीत हुई है, संजीव नहीं मानेंगे इस बात को कांग्रेस के लिए। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था कि इंदिरा गांधी चिकमंगलूर में जब जीती जी, तो सत्ता परिवर्तन हुआ था, और सोनिया गांधी जब बिलेरी से लड़ी तो सत्ता परिवर्तन हुआ। और मैंने कहा था अगर कर्नाटका से जीतेंगे तो केंद्र में भी सत्ता परिवर्तन होगा। तो कल जो है बजरंग बली की दुआओं से, और बजरंग बली ने जो है भाजपा वालों को एक ऐसा गदा मारी है, मोदी मार दिए, और उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम से काम नहीं चलेगा, अब तो काम होगा विकास के नाम से, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, ब्रिज, पुल, बाईपास, लोग काम करें, केवल नारों से बात पेट भरने वाला नहीं है। किसान को जो है आज लाइन में लगे पड़े हैं सरसों के लिए, उनका जो है आज तक कार्य नहीं हुआ। कर्मचारियों पर लाठी चार्ज, सरपंचों पर लाठी चार्ज, सरपंचों को तो इतना पीटा है कि सरपंच जो है वहाँ पर चंडीगढ़ में कभी भूलेंगे नहीं जल्दी सी। और क्या कह रहे थे, ई टेंडरिंग का मतलब क्या है? हमारे टाइम में हमने 1-1 करोड़ रुपए पंचायतों को दिए, सब सरपंच अपने हिसाब से लगाते थे। फिर जो है ब्रिजभूषण जैसे बदमाश आदमी को जो महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है, आज वो खुला जो घूम रहा है, उसको सरकार क्यों नहीं सलाखों के पीछे कर रही? सतपाल मलिक ने जो पुलवामा अटैक में जो खुलासा किया है कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया हमारे 40 जवानों जो शहीद हुए थे, ये सरकार की नाकामी की वजह से हुए। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रवाद की बात करते हैं लेकिन उसी राष्ट्रवाद के नाम से वोट मांगते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 40 जवान शहीद हुए थे वो किसकी गलती से हुए थे? 300 किलो RDF कहाँ से आया? और राहुल गांधी जी की जिस जज ने जो सजा सुनाई थी आज उसकी जो पदोन्नति पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है उस जज के ऊपर भी, उसके वर्डिक्ट के ऊपर भी, कि जो उसने वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ जो लगाया है कि 2 साल की सजा, कभी भी 3-4 महीने से कम सजा नहीं होती है, लेकिन इन्होंने 2 साल की करी ताकि उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। केस है कोलार का, सूरत में केस डाल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को देनी चाहिए वो नहीं दे रही, जो रोजगार देना है युवाओं को वो नहीं दे रही, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं, युवाओं के लिए कोई योजना नहीं, पंचायतों में कोई पैसे नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पताल यहाँ पर जो है डॉक्टर नहीं है, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, शिक्षा का विस्तार नहीं हो रहा। तो हाँ, आज हमने जो पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन है हमारा 30 मई का, उसके लिए हमने
आज अपने सभी जो क्योंकि अपना भाईचारा है कोई आज की बात नहीं, आज तीसरी पीढ़ी होगी जो है हम लोग इनसे जुड़े हैं। मेरे पिता भी यहाँ से विधायक रहे, मैं भी रहा, आज चिरंजीव है, इनको न्योता दिया है 30 मई का, और भाई 21 जून को जो कुआ पूजन है उसका भी दिया है, एक तो चिरंजीव के यहाँ पुत्र रत्न हुआ है उसके लिए भी, तो ये तो हमारा भाईचारा है। एक आप वरिष्ठ नेता है वो जो प्रदेश की राजनीतिक है उसको उसको किस परिदृश्य देखते हैं, किस अब जिस तरीके से हुड्डा साहब ने भी MLA की मीटिंग की थी जिस तरीके से हो रहा है किस तरह मानते हैं इसको? देखिए ऐसा है कि आज हर व्यक्ति परिवर्तन चाह रहा है जी। लोगों ने 10 साल ही सरकार देख ली जी, कर्नाटका में सरकार इन्होंने वहां पर गिरा दी थी, तो लोगों ने जो है पूर्ण बहुमत देखकर ये बता दिया कि भी अब तुम सरकार नहीं तोड़ पाओगे। राजस्थान में सरकार नहीं टूटी हमारी क्यों, वहां भी बहुमत हमारा काफी था। आज हरियाणा के अंदर आज चुनाव करा दीजिए कम से कम 65 सीट आएंगी कांग्रेस, और लोग बाग जो है इनकी जो आज जो है GST हर चीज के ऊपर कोई चीज लेने जाओ इनका ED की रेड क्या लगाएंगे जो विपक्ष के नेता है, किसी BJP के नेता का ED और CBI की रेड नहीं लगेगी, इन सब का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो 70 साल में जो एयरपोर्ट बंदरगाह रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन रोड सड़कें कितना भारी टोल टैक्स लगा देते हैं, आप यहाँ से दिल्ली चले जाओ टोल टैक्स, आप चंडीगढ़ चले जाओ टोल टैक्स, तो हर चीज के ऊपर टैक्स, यहाँ पर जो है खर्ची खर्ची है। ये कहा करते हमारे यहाँ पर्ची और खर्ची नहीं है, पर्ची तो नहीं है इनके यहाँ, खर्ची जरूर। एक एम्स को लेकर अगर बात कर ले तो राविंदर जीत सिंह बड़ा प्रोजेक्ट है इस क्षेत्र के लिए, उन्होंने काफी मेहनत की है और डिले हो रही है जमीन के लिए, तो कैसे मानते हैं, क्या कहते हैं? 8.5 साल में मेहनत ही करते रहेंगे, 9 साल हो गए अब, तो साल बचा है। 2015 में इसकी घोषणा हुई थी जी, राव इंद्रजीत सिंह इसके लिए जिम्मेवार हैं, लोग पुतला फूंकते हैं बनवारी का जी। ये प्रश्न जो है आप लोग पूछो राव इंद्रजीत सिंह से कि शिलान्यास कब होगा, शिलान्यास तो रख देंगे वो 2024 में रख देंगे, लेकिन क्या एम्स बनेगा? एम्स तो बनाएगी आने वाली सरकार, इंद्रजीत सिंह को 4 बार बना दिया, यूनिवर्सिटी में लेके आया, गवर्नमेंट कॉलेज में लेके आया लड़कियों का, खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज बनाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया आपका जो है, इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर बनवाया आपका जो है, वार मेमोरियल बनवाया, वार म्यूजियम बनवाया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनवाया, मिनी सेक्रेटरी बनवाया, मैं आपको कितनी बातें गिनाऊं जो मैंने करवा दी है। 3 दिन पहले सहकारिता मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर तक एम्स का निर्माण शिलान्यास शुरू हो जाएगा। कब शुरू हो जाएगा? सितंबर अक्टूबर का समय उन्होंने, फिर शिलान्यास तो बनेगा कब? अगले 5 साल तो लगेंगे, तो अगले 5 साल में ये तो रहेंगे नहीं, आने वाली सरकार गठबंधन UPA गठबंधन की सरकार बनेगी, एम्स का काम भी कैप्टन अजय सिंह करवाएगा। ठीक है सर, ठीक है।